जी, अब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट स्टार्ट कर दी है। तो मैं जैसा कि पहले बता रही थी कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने नेम के साथ और उसके आगे अपना जो रोल नंबर है उसके साथ जो है वो अपियर होगा। जैसे कि ये स्टूडेंट है कि अगर आप अपना नाम कुछ नहीं लिखते तो उसके आगे विंडो शो हो जाता है, विंडो लिखा जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप उसको रिमूव करके आप अपना नाम हर स्टूडेंट लिखेगा, अदरवाइज आपको क्लास में इस तरह से एडमिट नहीं किया जाएगा। मीन्स ऐसा शो हो सकता है कि आउट ऑफ द क्लास कोई स्टूडेंट एंटर हो गया है, तो इसलिए आपकी जो अटेंडेंस लिस्ट में हमारे पास नाम है हम सिर्फ उन्हीं को ही जो है एडमिट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का जो लास्ट वाली क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने जो है वो अपलोड कर दी है ऑन GCR, और वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो थी अबाउट द टॉपिक ऑफ द डोमेन एंड रेंज के बारे में थी। एंड अच्छा जी, अबाउट द टॉपिक ऑफ द डोमेन के बारे में थी स्टूडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस है सबसे पहले आज का ये टॉपिक है हमारा। कंपोजिशन आपने कैसे करनी है, उसको कैसे, इनफैक्ट आपके पास कोई से दो फंक्शन होते हैं और आप उनके कॉम्बिनेशन से करके तो एक थर्ड जो फंक्शन है वो जनरेट करते हैं। बेसिकली ये चीज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस कहलाती है। वी नाउ कंसिडर एन ऑपरेशन ऑन फंक्शंस कॉल्ड द कंपोजिशन विच हैज नो डायरेक्ट एनालॉग इन ऑर्डरिंग ऑर्डिनरी अरिथमेटिक। इससे पहले जरा मैं एक और बात एक्सप्लेन कर दूं आपसे। मैंने यहाँ पे कोर्स आउटलाइन जो है वो भी आपकी स्टूडेंट शेयर कर दी है, और इसके अलावा मैंने बुक भी शेयर कर दी है, जूम का लिंक भी यहाँ पे अनाउंसमेंट में आपके पास GCR अकाउंट के अंदर शेयर है। और इसके अलावा जो लेक्चर नंबर 1 जो है जिसकी मैं वीडियो जो है बना रही हूँ जूम के ऊपर, तो वो जो है वो भी अपलोड, वैसे तो वो लिंक के ऊपर आपको दे दिया जाता है, लेकिन अदरवाइज जो है उसकी जो है हार्ड फॉर्म में भी, यानी एक बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में, वर्ड की फाइल की फॉर्म में भी आपके पास वो मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन जो लेक्चर है वो सुनना लाजमी है, देखना लाजमी इसलिए क्योंकि बहुत सारी सारी बातें नहीं उसके अंदर रिटर्न की जाती है। जो मैंने वर्ड की फाइल जो मैं अपलोड करती हूँ उसके अंदर तमाम बातें जो है वो नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि वी नाउ कंसीडर द ऑपरेशन, ये इसमें कंपोजिशन है आपका, बहुत ही इजी टॉपिक है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक है आपकी, अर्जी ट्रांसेंडेंशियल बाय हार्वर्ड एंटन के साथ है, 10th एडिशन है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आपके पास दो कोई से फंक्शन गिवन होंगे, आपने उनका कॉम्बिनेशन करना है। मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ x कह सकते हैं, या जी एफ ऑफ एफ सर्कल जी, या फिर जी सर्कल एफ, आपसे जैसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप इसे एफ सर्कल जी से डिनोट करते हैं, उसको बाद में आपने सर्कल को खत्म करके आपने उसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर देना होता है। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे सॉल्व हुई है ये मैं अभी बताती हूँ, इससे पहले जरा डेफिनेशन देख लें। गिवन फंक्शंस एफ एंड जी, द कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी डिनोटेड बाय एफ सर्कल जी इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। द डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इज डिफाइंड टू कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल चाहे इस एग्जाम्पल को देख लें, मैं इसको मिनिमाइज यहाँ पे कर रही हूँ, बल्कि मैं इसकी आपको एक जो है हार्ड फॉर्म जो है उसी में, मैं एक मिनट ये डिवाइस जरा अटैच कर लूं और फिर मैं आपको जो है वो इसका स्टार्ट करवाती हूँ। जी स्टूडेंट, सबसे पहला जो है मैं आपसे बात कर रही थी कि कंपोजिशन है हमारा टॉपिक है। कंपोजिशन में लाजमी नहीं है कि टू की बात ही आए, आप यहाँ पे लिखते हैं एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों फंक्शन जो है वो आपके पास है इसके एक्स के ही हैं। आप इसको यहाँ पे एफ और सर्कल की जगह पे आपने यहाँ पे लिखना है स्मॉल ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। ओके, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली आपसे कहा जाता है कि जी सर्कल एफ निकालें, जी स्टूडेंट ये दो स्टूडेंट कौन से एंटर हुए हैं,
ओके जी. अच्छा अब सिमिलरली जो है स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जी सर्कल, एफ सर्कल जी के बाद आ जाता है, जी सर्कल एफ आता है आपके पास. तो जी सर्कल एफ में भी आपने जी सर्कल एफ ऑफ एक्स में आपने इसको स्केयर, ये जो सर्कल है इसकी जगह पे जी स्मॉल ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स कर देना है. ठीक है, आगे आपने इसे फर्दर सॉल्व कैसे करना है. सिमिलरली आपके पास थ्री भी आ सकते हैं, एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स. ठीक है, आप इसके में भी ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे यहाँ पे कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरह से आप इसे इसकी क्लोजिंग ये थ्री ब्रैकेट्स आप कर देंगे, 1 2 3 1 2 3. ठीक है, आप इसे इस तरह, यानी कि थ्री में आपको गिवन किए जाएंगे तीनों फंक्शंस की वैल्यूज. हो सकता है आपसे ये कह दिया जाए h सर्कल g, h सर्कल f सर्कल g, इस तरह से कह दिया जाए, तो आपने उसको उसी तरीके से ब्रैकेट्स को यूज करना है, g f of h f of g, यानी कि जैसे जहां जहां सर्कल है वहां पे आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपके पास ये चीज आ जाती है. अब नेक्स्ट में मैं आपके साथ ये जो है बुक का एग्जांपल है उसको शेयर करती हूँ और साथ ही मैं इसको यहाँ से जरा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि हम एग्जांपल जो है उसको देख लें. जी अब ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको लिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप अपनी राइट साइड पे देख सकते हैं, एंड जी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. ठीक है, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उसने कहा है कि एफ सर्कल जी को फाइंड करें और मैं एक जी सर्कल एफ भी आपको फाइंड करके बता देती हूँ. यहाँ पे आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, एफ कंपोजिशन ये चीज कहला रही है, एफ सर्कल जी फाइंड आउट करें एंड देन जी सर्कल एफ फाइंड आउट करें. ठीक है, अब मैंने देखें कि मैंने यहाँ पे पहला पार्ट जो है इसका मैंने सेकंड पार्ट अपनी तरफ से बना लिया है कि आपसे लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन की जा सके. तो अब मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन है वो मैं कर रही हूँ कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स का मतलब है कि इस सर्कल की जगह पे आपने ब्रैकेट को यूज किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, आप इसका नाम इक्वेशन नंबर वन रख सकते हैं. ठीक है, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर सेकंड रखते हैं, सेकंड जी ऑफ एक्स का. ठीक है, अब आपने ये कहा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, यानी जहां पे जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है मीन्स उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स. ठीक है, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है ना वो है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर जो है मीन्स आप यहाँ पे देखें आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है जी ऑफ एक्स. ठीक है, एफ ऑफ एक्स है सॉरी आपके पास जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर है. ठीक है, आपने यहाँ पे कहा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है. ठीक है, इसका मतलब है कि जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू जो है वो आप एक्स की जगह पे पुट कर देंगे. दोबारा से देखिएगा यहाँ पे एक्स है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एक्स का स्क्वायर है एक्स की जगह पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन. ठीक है, वो आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर दी. ये सिर्फ ये एक लाइन है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है. दोबारा से आप देख लें स्टूडेंट कि एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है. जब आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो जहां पे एक्स इंडिपेंडेंट है वहां पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे. जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स प्लस वन. ठीक है, जहां जहां पे एक्स प्लस वन है तो वो इस तरीके से जी इसमें किसी को या मैं इसी का सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे. उसमें है कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स. ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है. ठीक है, अब ऑपोजिट हो गया, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने निकालना है. अच्छा, अब मैंने जी ऑफ एक्स जो है सबसे पहले मैंने उसको लिखा, अभी मैंने एफ ऑफ एक्स अंदर, इनफैक्ट ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना जी ऑफ के, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, अभी जैसे जी ऑफ एक्स जो आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, टू इक्वेशन है आपके पास, वो मैंने लिखी यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स प्लस वन. ठीक है, आपने ये किया
कि आपने कहा कि इसके अंदर जी आपने ही कहा स्टूडेंट कि इसके अंदर जो है, मैं चाह रही हूँ कि ऊपर वाली इक्वेशन भी आपको जरा नजर आ जाए जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स था। जी जी ऑफ एक्स है ये चीज है ठीक है, और ओके जी जी स्टूडेंट जी ऑफ एक्स ये है ठीक है। अब आपने जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे आपने पुट करना है, रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट पे तो जी एफ ऑफ एक्स कर दिया पुट ठीक है, लेकिन राइट साइड पे आपने एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे आप ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर भी देती हूँ दोबारा से कि जो जी ऑफ एक्स है वो आपके पास है जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स जो है मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है इसलिए मैंने सामने ही लिख लिया दोबारा से ठीक है, वो एक्स प्लस वन है ठीक है। आप यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया एक्स प्लस वन, मैंने गलत वैल्यूज लिख दी है, मैं जरा एक मिनट चेक कर लूँ स्टूडेंट। जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स प्लस वन मैम, हाँ जी एक्स प्लस वन है, और एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है जी। यहाँ पे ये आपके पास है जी ऑफ एक्स है, और ये आपके पास स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स है। मैं जैसे रेज करती हूँ ना तो वो फिर बाद में दोबारा से डिवाइस जो है वो वर्ड की फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ओवर राइटिंग कर दिया है। हाँ जी जरा देखिएगा स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एफ एक्स प्लस वन है, वो आपने लिख दिया ठीक है। आपने यहाँ पे पुट किया है एफ ऑफ एक्स ठीक है, यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड पुट कर दें, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है वहां पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ठीक है। ये एक्स की जगह प्लस वन ठीक है, रिप्लेस कर दें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर ठीक है, यानी कि जहां पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो है एक्स स्क्वायर है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दें ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपने इसको मतलब किया तो ये चीज आपके पास। अच्छा आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड कि हमारे पास जो दोनों के रिजल्ट्स आए हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखें एक का आंसर ये आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर ये है, इसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल ए रख दिया है ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी सेम ही है, लाजमी भी नहीं है कि सेम ही हो, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रॉम ए एंड बी जो आपके पास है जी सर्कल एफ दैट इज इक्वल टू एफ सर्कल जी ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाजमी नहीं है कि इक्वल ही हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा जी अब इसके बारे में फॉर मोर डिस्कशन जो है आपके साथ इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर प्लस थ्री और जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स ठीक है। इसमें उसने कहा एफ सर्कल जी निकालें और जी सर्कल एफ जो है वो दोनों चीजें निकालें ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं जरा सा वर्बली बता देती हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो यहाँ पे जहां पे भी एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स की राइट हैंड साइड यानी स्क्वायर रूट एक्स अप्लाई हो जाएगा ठीक है, यानी एक्स की जगह पे आपने स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, फंक्शन इसी के अंदर ही पुट करना है लेकिन जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देनी है ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री आ जाता है आपके पास, ये जी स्टूडेंट अपने माइक जो है जरा म्यूट रखिएगा ठीक है, अदरवाइज ये है कि कोई भी जो डिस्टॉर्शन है वो लेक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस का बाइस बनती है। अच्छा जी यहाँ से जरा देखिएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स ठीक है। मैं इसकी भी चले आपको एक और करवा देती हूँ या फिर एक थ्री वाली को चीज देख लेते हैं कि अगर वो एफ सर्कल जी और सर्कल एच जो आ जाए उससे रिलेटेड कोई, ये जैसे कि एग्जांपल फोर इसको पहले करा लेते हैं फिर इसके बाद मैं एग्जांपल थ्री भी आपने खुद कर सकते हैं, मैंने एक दफा वर्बली तौर बता दिया है, अदरवाइज जैसे ही मैं जरा सी एक्सरसाइज आपको क्लियर करूंगी ना तो आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे।
अच्छा जी, ये आपके सामने स्टूडेंट शो हो रही है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको भी मिनिमाइज कर देती हूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे इसको स्टार्ट में ले जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज ही है कि इसमें है एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 के अंदर उसने सिंपल ये कहा है कि फाइंड करें आप एफ सर्कल, जी सर्कल, एच ऑफ एक्स, ठीक है, या तीनों के बाहर ब्रैकेट भी, एक इधर तीनों के बाहर भी ब्रैकेट यूज हो जाएगी, और इसमें से ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं यही से सोल्यूशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ना वैल्यू जो है वो ना लिखनी पड़े, तो ये मैंने कह दिया कि ये चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। और जो गिवन है वो क्या चीजें हैं कि आपके पास एक है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है स्केयर रूट एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो है वो है 1/x, ठीक है, और एच ऑफ एक्स जो है वो है आपके पास आई थिंक सो एक्स, एक्स की वैल्यू शायद कोई डिफरेंट ना हो जी, एक्स क्यूब, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स क्यूब, ठीक है। इनकी नेम्स मैंने मेंशन कर दिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एफ सर्कल, जी सर्कल, एच, और यहाँ पे मैंने यूज किया ब्रैकेट, इसको निकालना है। इसका मतलब है सर्कल की जगह पे आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करें एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, और ये मैंने इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो मैंने यूज कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपने f ऑफ g ऑफ h ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है x क्यूब, वो पुट कर दी, ठीक है, ये आपने यूज कर लिया इसको, ठीक है। अब g ऑफ x क्यूब है, ठीक है, इनफैक्ट h ऑफ x की वैल्यू जो है वो है आपके पास x क्यूब, ठीक है, वो आपने पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, दो वे हो सकते हैं इसके, लाजमी नहीं है आप इसको इस तरह लेकर जाएं, बल्कि मेरे जहन में एक और भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो कि ज्यादा सही है कि आप 2/2 करके, मतलब 1/1 करके बाइनरी स्टाइल में जो है ना आप इसे ले जाएं, मींस इस तरह इसको छोड़ें आप इसे। स्टूडेंट ये बार बार जो है आप चीन या जो स्टूडेंट है ऑनलाइन हो रहे हैं बार बार जरा अच्छा जी आप जरा यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये 3 है ना, मैं यहाँ से इस तरह कह रही हूँ कि जो दरमियान जो इनरली है ना उनको आप पहले ले लें, मीन्स आप इसे जी ऑफ एच ऑफ एक्स पहले आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करें, एफ को हम बाद में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि सबसे पहले आप कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है, जी ऑफ एक्स है 1/x, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा 1/x, अच्छा जी ऑफ एक्स आपने लिखा 1/x, ठीक है। अब आपने जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखा, तो यहाँ पे आपके पास जो जी ऑफ एक्स है उसमें जो एक्स है उसकी जगह पे आप जी ऑफ एक्स की एच ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। जहां पे मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट कि जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ना उसके अंदर जहां पे आपके पास एक्स है ना वहां पे आप एच ऑफ एक्स की वैल्यू यानी एक्स क्यूब रिप्लेस कर दें, यानी 1/1 एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे लेफ्ट पे अप्लाई करना है एफ को, तो आप ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 से स्केयर रूट एक्स है, ठीक है, स्केयर रूट एक्स है, तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, आपने अब ये लिखा है, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जगह पे यानी ये एफ तो आपने इसी तरह से लिखा, इस जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू आ रही है आपके पास 1/x³, ठीक है, 1/x³ आपने लिख दिया, ठीक है। आपको पता है कि ये एफ ऑफ एक्स तो स्केयर रूट एक्स है, अब आप इस तरह करें कि जहां पे जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 1/x³ वो रिप्लेस कर दें इन एफ ऑफ एक्स, यानी कि रिप्लेस
वन ओवर एक्स क्यूब या स्क्वायर रूट एक्स या एक्स बाय जो मर्जी आप ठहरे लिखें, ठहरे में इतना से रिप्लेस एक्स बाय वन ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि या भी आपने स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे देखें ये वाला वर्ड है एक्स है, इसके साथ आपने जी ऑफ एच ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो एक्स की इसकी जो वैल्यू जी ऑफ एच ऑफ एक्स वो है वन ओवर एक्स क्यूब, यानी कि आपने एक्स के साथ रिप्लेस करना है वन ओवर एक्स क्यूब को, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू। तो अब राइट साइड पे जो भी फंक्शन की वैल्यू है जिस तरह से भी है, मतलब मींस उसमें x प्लस टू है या स्क्वायर रूट x है, जैसे मर्जी है, हम यहाँ पे x की जगह पे जो है वन ओवर एक्स क्यूब लिखेंगे और ये आपके पास आ जाता है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कुछ? जरा मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। यस मैम। आपने ये स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस आपने अप्लाई करना था, एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ को हमने पहले डिस्क्राइब किया है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है कि आपने जी ऑफ एक फंक्शन को कंपोजिशन जो है वो दूसरे के साथ आपने कैसे करके एक नया जो है फंक्शन जनरेट करना है। आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, तो आप पहले जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाता है, फिर आप उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर उसको जी ऑफ एक्स को जो है अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वन, इसका मतलब है आप एक्स को एक्स प्लस वन के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है ना उनको रिप्लेस करेंगे आप। राइट साइड पे ये एक्स स्क्वायर हो कर रहा है, तो हमने कहा कि एक्स की जगह पे हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन को रिप्लेस कर देते हैं, यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलरली सेकेंड में आप देखिएगा, एक मिनट, सेकेंड जो वैल्यूज आपके पास आती हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिएगा कि एफ सर्कल जी के बाद, अब मैं यहाँ पे सेकेंड आपके पास आती हूँ, एफ सर्कल जी सर्कल एफ जो है वो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, जी ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, वो है आपके पास गिवन है एक्स प्लस वन। अब एक्स की जगह पे आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को रखना है, एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब इसकी राइट साइड जो है वो एफ ऑफ एक्स की, वो है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है अब एक्स की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगी एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट पे तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, अब एफ ऑफ एक्स की जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो मैं इसके राइट साइड पे जी ऑफ एक्स के राइट साइड पे अप्लाई करूंगी, यानी जहां जहां पे भी एक्स आएगा वहां मैं एक्स स्क्वायर को अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्स स्क्वायर को अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली जो है वो मैंने तीन के साथ कॉम्बिनेशन करके दिखाया है आपको, एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर इसकी फोर्थ थी आपके पास, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स को हमने शो किया है। तो आपने यहाँ पे पहले ब्रैकेट शो कर ली, पहले मैंने इसको और तरीके से करवाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, दो दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन करके आपको दिखाते हैं कि जी ऑफ एच जो है वो एक फंक्शन बन जाएगा, फिर बाद में एफ ऑफ जी ऑफ एच को हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें आप कि उसी तरीके से आपके पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो वन ओवर एक्स है, अब एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एच ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड पे तो एच ऑफ एक्स है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू थी वन ओवर एक्स क्यूब, ठीक है, वो एक्स क्यूब थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपने x के साथ रिप्लेस कर दिया है x क्यूब को, तो यहाँ पे 1 ओवर x की जगह पे आ गया 1 ओवर x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिटर्न भी कर देती हूँ, रिप्लेस x बाय x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो चीज है ना h ऑफ x, ये इनफेक्ट है आपके पास x क्यूब है, ठीक है। तो जहां जहां इसमें x है वहां पे मैंने x क्यूब रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड पे f को अप्लाई करना है, ठीक है। बेसिकली तो मुझे f ऑफ g ऑफ x निकालना था, तो पहले f ऑफ x की अपनी ओरिजिनल वैल्यू, फिर g ऑफ h ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 1 ओवर x क्यूब, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। f ऑफ x की अपनी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट x, ठीक है, और g ऑफ h ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है g ऑफ h ऑफ x जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1 ओवर x क्यूब, ठीक है। तो आपने क्या किया, जहां पे x है वहां पे 1 ओवर x क्यूब जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, f of 1 over x cube आपने अप्लाई कर दिया, तो वो इनफैक्ट असल फंक्शन तो स्क्वायर रूट x है, तो x की जगह पे 1 ओवर x क्यूब आ गया, तो ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाता है।
अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये देखें, वन ओवर एक्स क्यूब जो है उसे आप स्केयर रूट को वन ओवर एक्स की जो है वैल्यू के साथ भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से देखें जरा स्टूडेंट, यहाँ पे उसने एक थोड़ा सा उसको और कर दिया कि वन ओवर एक्स क्यूब है तो इसकी पावर जो है वो वन बाय टू है, तो इसका मतलब है ये वन ओवर एक्स की पावर थ्री बाय टू, ये उसने रिजल्ट जो है आपके सामने शो कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहां से मैं एक आधा क्वेश्चन मैं करूंगी, बाकी जो है वो आपने करने होंगे। अच्छा जी, हमने इवन एंड ऑड फंक्शन भी आज की क्लास में जो है पढ़ना है। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से जरा देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आप उसको कीजिएगा। ये f प्लस जी एफ माइनस जी, इसके बारे में मैं अभी डिस्क्राइब आप करती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा 27 टू 30 हम बाद में करते हैं क्वेश्चन, पहले जरा 31 टू 36 तक देखिएगा। ठीक है, फाइंड द फार्मूलाज फॉर f सर्कल g, ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 0.2 एक्सरसाइज है, लास्ट में हमने 0.1 की थी, तो ये आपने फाइंड द फार्मूलाज है फॉर f सर्कल g एंड g सर्कल f। एक तो उसने कहा है कि दो का आप फंक्शन का कंपोजिशन बताएंगे एंड स्टेट द डोमेन्स ऑफ द कंपोजिशन एंड फाइंड द फार्मूला फॉर f सर्कल g सर्कल h। ठीक है, ये भी आपने जो है करने होंगे 31 टू 36 तक करने हैं आपने। अच्छा जी स्टूडेंट, 10 मिनट्स तक ये क्लास जो है जरा ओवर हो रही है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी अगेन एक और मीटिंग भी आपके साथ करूंगी। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें जरा देखिएगा 31 टू 34 है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, इनमें 31 टू 34 में बताएं, एक और मीटिंग स्टूडेंट इसके बाद में आपके साथ करूंगी, इसको आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी टोटल काम जो है जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके करना पड़ा है, तो इतना ज्यादा नहीं है, इसकी अगेन मीटिंग भी आपने ज्वाइन करनी है, जैसे ही ये मीटिंग ओवर होगी आप इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी बताइएगा कौन सा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करवा, हमारी क्लास है पार्क स्ट्रीट, हमारी पार्क स्ट्रीट की क्लास है, बाद की क्लास है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा जी जरा बताइएगा 31 टू 36 तक में कोई एक क्वेश्चन बताइए, मैं आपको करवा दूं। 35 मैम, चले 33 सही है। यस मैम 33 सही है। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे है आपके पास एक्सरसाइज है 0.2 है और क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 33 है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स ओवर वन माइनस एक्स। ठीक है, मैं जरा इसको मैक्सिमाइज कर दूं आप ताकि जरा स्पीड से काम हम कर लें इसका। अच्छा जी, ये आपने इसके इक्वेशंस जो है इनके नंबर जो है वो लिखे आपने। ठीक है, हमने फाइंड आउट जो करना है वो है एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड हमने सेकेंड पार्ट जो है वो हमने करना है इसका जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपने ये दो पार्ट इसके फाइंड आउट करने हैं, मैं पहले वाला पार्ट करने लगी हूँ, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा मेरे जहन में एक और भी आया है कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसे आपके लिए आसानी होगी, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की पुट कर दी है, वो है एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स की पहले मैंने वैल्यू नहीं पुट की थी, मैंने कहा वैसे कह दिया था रिप्लेस इसको इससे कर दें, अब मैंने सोचा है कि जो जी ऑफ एक्स है आप उसकी इक्वेशन जो है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपने इक्वेशन नंबर टू पुट कर दी। ठीक, अब यहाँ पे आप राइट साइड पे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो असल में आपके पास क्या है, वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ये आपके पास। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि जहां पे x है, x के साथ आप इन दोनों के इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज हैं उनको आप रिप्लेस कर दें, यानी इस x की जगह पे अगर मैं x ओवर 1 माइनस x को रिप्लेस कर दूं। ठीक है, रिप्लेस, अब आपको शायद ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, x बाय 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। देखें जो आप
रिप्लेस बाय स्टूडेंट ये वाली वैल्यू नहीं है, रिप्लेस बाय एक्स बाय एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तरह देखिएगा इन एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन थी। आपके पास यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है ना बेसिकली ये। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास आ गई है एक्स ओवर वन माइनस एक्स। आपने ये कहा कि जो आपने एफ का फंक्शन है उसके अंदर जी ऑफ एक्स को कंपोज कराना है, अंदर उसकी कंपोजिशन करनी है, तो यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने ये कहा कि आप एक्स के साथ रिप्लेस कर दें एक्स ओवर वन माइनस एक्स को। अब यहाँ पे आप देखिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स जी, अब एफ ऑफ वन प्लस एक्स है, ये वन प्लस एक्स की जगह पे आपने पुट कर देना है एक्स ओवर वन माइनस एक्स, एक्स बाय यानी एक्स की जगह पे एक्स ओवर वन माइनस एक्स आपने पुट कर दिया, ओवर वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स की जगह पे एक्स ओवर वन माइनस एक्स आपने पुट कर दिया जी। किसी को प्रॉब्लम है इसमें पूछने में तो बता दे। ये देखिए ये असल में था वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एक्स ओवर वन माइनस एक्स के साथ, ठीक है। आगे आप स्टूडेंट इसका फर्दर जो है वो इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन आप इसकी करेंगे। देखें ऊपर आ जाता है आपके पास ये वन बाय वन है, ये भी वन बाय वन है, इनका एलसीएम लेंगे आप वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई वन हुआ, तो ये वन माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये फिर ये नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर के बाद इसके भी आपने इसी तरह से एलसीएम ले लिया। नीचे तो आ गया वन माइनस एक्स, इधर वन माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई हुआ वन माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। तो एट दी एंड आपके पास यहाँ पे ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट गए और ये नहीं कैंसिल हुए, ठीक है। लेकिन चले वन वन बाय वन माइनस एक्स ओवर वन माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हुई और इसका रिजल्ट आ गया वन बाय वन माइनस टू एक्स, ठीक है। और ये आपके पास आ गया एफ सर्कल जी की वैल्यूज आ गई है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। आप इसका नाम ए रख दें, देख सिर्फ ये चेक करने के लिए, एक तो आपके पास ये आंसर आ गया, अब सेकेंड आपने आंसर इसका निकालना है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपके पास आ जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट याद है क्या थी, यहाँ पे आप देखें इस तरह से मैं अगेन इसको लिख रही हूँ, मैंने आपके आसानी के लिए ये सोचा है किस तरह कर लेते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है उसकी मेरा ख्याल है वैल्यू थी हमारे पास प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ये थी एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। अब हम फंक्शन तो जी ऑफ एक्स का निकाल रहे हैं, तो जो जी ऑफ एक्स है उसकी क्या वैल्यू थी स्टूडेंट, एक्स ओवर वन माइनस एक्स ओवर वन माइनस एक्स जी, एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने ये किया कि जो जी ऑफ एक्स है उसका फंक्शन हम इसी तरह लिखेंगे, इनको आपस में आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस एक्स बाय वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं ये किसमें रिप्लेस करना है, इन जी ऑफ एक्स, ठीक है। जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ना यहाँ इसमें रिप्लेस करना है आपने, ठीक। अब यहाँ पे एक्स, एक्स की जगह पे हम करेंगे वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। और फिर ओवर वन माइनस एक्स है तो वन माइनस और एक्स की जगह ये वन प्लस ये एक्स की जगह इसके साथ ये प्लस वन नहीं है, जी ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स नहीं है क्या, मतलब आप ये कह रहे हैं मैम इस x की जगह हमने 1 प्लस x डालना है, आपने इसके साथ एक 1 नहीं लिखा। स्टूडेंट आप कौन सी वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये रिप्लेस x बाय 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, हाँ जी इन g ऑफ x, तो ये लाइन में क्या प्रॉब्लम है, तो इस g ऑफ x में जो है ना हम x की जगह पे 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x लिखेंगे ना, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है एक्स ओवर वन माइनस एक्स है ना जी, तो एक्स ओवर वन ऊपर ऊपर वाली वैल्यू में आपने प्लस वन नहीं लिखा, हाँ इसमें 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 वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स लिखा हुआ है ना स्ट्रिंग, ये वाली जो जो वैल्यू है ना ये वाली ये सारी एक्स है, ये देखे ना एक्स है ना, ठीक है। यहाँ पे देखे यहाँ पे मैं आपको एक दफा दोबारा से करके बता देती हूँ, इसकी वैल्यू में
x की जगह पे मैंने पुट किया 1 plus x over 1 minus x. Yes, ma'am, समझ आ गई, समझ. Over करके 1 minus x, तो 1 minus, तो x की जगह पे 1 plus x over 1 minus x. ये वही चीज मतलब मैंने लिखी है, ठीक है. तो आपने यहाँ पे इसके बाद आपने स्टूडेंट इसका एक्सएम लेना है, जो कैंसिलेशन हो सकती है उसको सिंप्लीफिकेशन करके आपने इसे सॉल्व कर देना. ये ऊपर तो 1 minus x over 1 plus x आ गया, नीचे जो है 1 minus x से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 1 minus x minus, अब ये minus दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, minus 1 minus x. तो यहाँ ये और ये कैंसिल हुआ और ऊपर जो है वो आ गया 1 plus x आ गया, और नीचे जो है ये plus 1 और minus 1 आपस में कैंसिल हुए, over, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है. ये आपके पास g of f of x आ जाता है, ठीक है. तो ये इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट. अच्छा जी, अभी ये मैं जरा इससे पहले जो है, अब हमारे पास लास्ट 20 मिनट रह गया है. चलें, खैर स्टूडेंट, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पर. अच्छा जी, अब इसी तरीके से मैं जरा आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी एक्सरसाइज के अंदर ही. ये 36 है, फाइंड द फार्मूला फॉर एफ सर्कल जी सर्कल एच, ठीक है. आप देख लें इसमें भी आपने पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल लीजिएगा, ठीक है. फिर बाद में, अभी एक मिनट रहता है, चले मैं आपको जितना हो सकता है सॉल्व करा देती हूँ, बाकी आप जो रिमेनिंग है वो आपने खुद ही इसको जो है वो करेंगे जी. क्वेश्चन है इसका 36 है, एफ ऑफ